राम राम जी। सारा नौ ठीक हो? सारे उम्मीद सारे ठीक होंगे। सो गाइज, टाइम हो गया सुबह के 10:45। व्लॉग एडिट करके शेड्यूल करके लगा दिया, 12 बजे आप लोग देख ही रहे हो। और मैं अब बस नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ डॉक्टर मैंग के पास। आप लोगों को पता ही है, दांत की RCT हो चुकी थी। इस वाले दांत को घिसाया था क्योंकि इसके क्राउन के लिए साइज लेना था, एंड आज अपने दांत का क्राउन आ गया है। तो आज मैं जा रही हूँ, फाइनली आज अपना क्राउन लग जाएगा। तो अभी चलते हैं, अपना क्राउन लगवा के आते हैं ताकि मैं पहले जैसे अपनी स्माइल बिना किसी टेंशन के कर सकूं, क्योंकि मेरे को खुद को बड़ा अजीब लग रहा था इतने दिनों से ना। तो अभी बस चलते हैं। 10 बजे का टाइम दिया था वैसे तो उन्होंने मुझे, लेकिन व्लॉग एडिट करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कल मैं रात को एडिट नहीं कर पाई थी, घर से आई थी तो ऐसे हो गया था, बस लेट के फिर मैं सोएगी पता ही नहीं चला टाइम का मुझे। दांत की जो है अपनी कैपिंग हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया है कि शाम तक या मैक्स कल सुबह तक ये बिल्कुल और दांतों के जैसे हो जाएगा। बट देन अभी मैं खुश हूँ कि फाइनली मेरा दांत जो है पूरा हो गया है। और बाहर निकली हुई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोबारा दोबारा निकलने का भैया किसी का मन नहीं करता, तो सोचा लग गया तो एक दो और जो काम है साथ साथ वो निपटा लूँ। कैब करा के मैंने अपना ग्रोसरी शॉपिंग कर लिया है, जिसमें मैंने लिया अपने अंडे की ट्रे और कुछ फ्रूट्स, एप्पल, ब्राउन ब्रेड, पनीर और ड्राई फ्रूट्स भी ख़त्म हो रखे थे, तो अखरोट वगैरह वो सब ले लिया ताकि दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में हालत ख़राब हो गई। राइट नाउ टाइम हो गया 12:15, घर चल के अपने मील लेती हूँ। अदरवाइज यूजुअली ये होता था, चिन्नू के लिए कुछ लेना है, मम्मी के लिए कुछ लेती जाऊँ, अब बस यही है कि यार कुछ नहीं, थोड़ा सा रूटीन में जो बदलाव आ गया है। ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा के एनिवर्सरी के रिगार्डिंग इतने बढ़िया बढ़िया विशेज जो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में दिया उसके लिए। अभी चलते हैं घर, कुछ अपने सैंडविच के लिए फिलिंग किया है, प्याज, पनीर और ये मैंने मेयोनीज लगा दिया थोड़ी सी इसके ऊपर। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये घर पे रखी थी तो मैंने यूज कर लिया। सैंडविच अपना रेडी हो गया है। दो चोटियों वाला बच्चा, मामा कौन करेगा भाई? मामा मेरा बेटू। ये दो चोटियों वाला बच्चा किसका है भाई? कहाँ भागी? ओ भी यार, सो ग्रीन ग्रीन हो रहा है भाई, आज सो तोता लग रही है मेरी बेटा, तोते जैसी। हाँ बेटा आजा। ओ दो तो इतनी प्यारी चोटियां लगी, तेरी चोटियों को ही खा जाऊंगी मैं। आप बुई को मिस नहीं कर रहे? कर रहे हो? आए मेरा गुल्लू, पता है ओए भाभी तुरंत तुरंत जवाब है इसका तो, साथ साथ प्यार करते हैं। आए मेरा गुगलू, आई लव यू, आई लव यू, आए मेरा बेटा, तू कब सीख गया ये? ये टाइम हो गया है शाम के 6:30 और आज मैंने रेस्ट भी नहीं किया, पूरा दिन कैसे निकल गया ना मुझे पता भी नहीं चला है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाकी मैंने अपना पूरा जो लॉबी का एरिया है प्रॉपर सारा सफाई कर दिया, बस वो सामान अनपैक करना रहता है जो मैं घर से अपना सारा लेके आई थी, अपने शूज़ वगैरह हैं, वो मैं कल आराम से करूँगी क्योंकि उसके बाद मैंने अपना जो है रूम की क्लीनिंग करी है अच्छे से सारा पूरा। इसके ऊपर मिट्टी विट्टी थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, सारा साफ कर दिया। बेडशीट एक वॉश कर दी थी, ये वॉश करके सुबह मैंने बिछाई दिया था। और ये वाला फ़ैन आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो नोट किया होगा, ये फ़ैन यहाँ नहीं था कल आने के बाद, ये मैंने आज ही यहाँ पे सुबह एडजस्ट कराया क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस वाले फ़ैन की हवा कम लगती है जो मेन ये वाला है ना। तो अपना AC ऑन किया, इसको स्लो स्पीड पर लगाया और मस्त वाली नींद आई। कल रात को मैं ऐसे करके सोई थी, AC टेम्परेचर कर रहा था लगभग 26-27 और ये चलाया, एकदम शिमला बन गया था रूम अपना। मौसम एकदम से बारिश वाला हो गया, थोड़ी देर पहले तक इतनी तेज धूप थी और अब एकदम से ना आपको दिख रहे होंगे कहीं कहीं पे बादल छा गए हैं, तो लग तो रहा है बारिश हो सकते है लेकिन ना हो तो बढ़िया है। मतलब भैया भट्ठे वाले हैं, जिनके भट्ठे हैं वो समझ सकते हैं मेरा ये दर्द कि हाँ वो नहीं चाहते कि बारिश हो ड्यूरिंग सीजन, बाद में तो चाहे बेशक होती रहे। और मैंने देखा आने के बाद कि मेरा एलोवेरा बेचारा बिल्कुल सूख गया। मैं जब गई थी ना तो सारी पत्तियां ऐसी थी ग्रीन कलर की, अब सारी सूख के बिल्कुल बेचारा ऐसा हो गया। इसमें कहीं में मेरे को लगता है किसी भी लीफ में रस मेरे को लगता नहीं बचा है क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद में आई और मैंने अभी संभाला, आते ही सबसे पहले मैंने इसको देखा है
पर होगा, पर कोई नहीं, देखते इसको थोड़े दिन पानी वानी दूंगी, हो सकता है दोबारा से इसमें जान आ जाए। और साथ साथ ये सिलेंडर भी मैंने उस टाइम पर रेडी कराया था। मेरे को ये था ना कि कैंपिंग के लिए मैं अपना ट्रैवल का प्लान कर रही थी, लेकिन इसका जो मैंने ठीक कराया था ना 150 तो उसने मतलब चार्ज किया था मुझे, सिर्फ इसको चेंज करने का 150 रुपये लिए थे, और आने के बाद ये एक दिन के बाद भी नहीं चला। तो मैंने अपना दूसरा एक ऑटोमेटिक टाइप से सिलेंडर आता वो मंगाया है, क्योंकि अब ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी होपफुली बहुत जल्द। तो कैंपिंग की मैं चीज़ अपने धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ, टेंट वेंट सब हो गया है। मतलब फैमिली के साथ जो फन था ना, एक ही दिन बाद से मैं इतना मिस करने लगी हूँ सब कुछ ना। तो ऐसा करती हूँ, अपनी मिस एंजॉय करती हूँ और साथ के साथ अपने व्लॉग्स देखती हूँ। मेरा मन है मैं गांव वाले व्लॉग्स देखूँ, उसके ऊपर तो मतलब इतना प्यार मिला है आप लोगों का, प्लस मेरे दिल से भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गाँव से जो एक जुड़ाव है ना वो अलग ही है लड़की का। तो आज हम देखेंगे अपनी ये एक महीने पुराने वाला व्लॉग, जो कि मैंने कहा था 24 आवर चैलेंज माँ के साथ, गोबर वाला भैंस वाला, मजा आया था इसमें। तो अपना फुल ऑन एंजॉय करती हूँ ये अपने व्लॉग्स के साथ, बस सेल्फ ऑब्जेक्शन देख लो लड़की का। जब हम चीनू के और गोलू के बाल कटवाने के लिए गए थे, कितना रो रहे थे दोनों, और चीनू कितनी चेंज हो गई एक महीने भर में ही। यार दिस इज़ द बेस्ट एवर लाइफ। मैंने अपने लाइफ में जितने मर्जी ट्रिप किया, जितना मर्जी ट्रैवल किया, जितना मर्जी मैं घूमी हूँ, लेकिन जितना मज़ा मेरे को गांव की ज़िंदगी जीने में आया ना, शायद ही कहीं ऐसा आया होगा। और मैं जितनी बार भी अपने व्लॉग देखती हूँ ना गांव वाले, मैं उतनी खुश होकर देखती हूँ। अभी अभी मैं अपना दूध और मिसली ख़त्म करके हटी थी, व्लॉग देखते देखते मम्मी की कॉल आई है कि मेरे लिए भाभी की बहन जो पहले भी एक बार मेले लेके आए थे ना, वही आज भी गाय के दूध की लस्सी लेके आ रहे हैं और छोटा मोटा और सामान भी। आज सामान लेके और मम्मी ने कहा तो एक दो चीज़ें ही थी मेन, तो मैं लस्सी के लिए गई थी और मेरे को लगता बहुत ज़्यादा कुछ सामान और भी साथ में देखा है। सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज सुरेखा, ये खत्म होते और बोतल आ जानी चाहिए, बोलते ना बोतल आ जानी चाहिए लस्सी की। ये तो मेरा एक आउटफिट था जो मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था, तो मैं उधर ही भूल आई थी, फंक्शन में पहना था करके दिया है मेरा। और क्या है बस, बाकी तो ये मेरा बेसिक है जो मैं अपनी जरूरत की चीज़ें जैसे मेरे टॉप टी शर्ट कुछ जिम वेयर्स भूल आई थी वो है। तो सबसे मस्त चीज जो आई है वो ये आई है, इतनी तेज की बारिश, बंद कर देती हूँ। मौसम जो है ख़राब हो ही गया था, मुझे लग ही रहा था कि बारिश आएगी, आधा एक घंटा हो चुका है, ज़बरदस्त वाली बारिश चल रही है। और अभी जो है टाइम हो गया है रात के 9 बजने वाले हैं, अपनी एडिटिंग लगभग 10-20% डाटा लिया, देन अभी FCP सिर्फ खोल आई है, अब करके अपना एडिट लगभग 1-1.5 घंटे भर में अपना व्लॉग एडिट हो जाएगा। जिसकी मशीन मैंने लिया एडिटिंग के लिए, मतलब अपना लैपटॉप, वो भी वापस करना 1.5 घंटे के बाद तक, क्योंकि मेरा 1-2 दिन बाद मिल जाएगा ठीक होने दे रखा, आपको पता ही है। सो इस व्लॉग के लिए रखते हो इतना ही, 10-11 बज जाएंगे मुझे सोते सोते व्लॉग एडिट करके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एट द एंड हमेशा की तरह बाय। चिना का है हाँ, या तो आप भूल गए थे या भी हो गए, सब्सक्राइब करो।